ट्विटर हैंडल के मुताबिक कश्मीर में सक्रिय आतंकी आईएसआई से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल को सस्पेंड किया गया। सुरक्षा एजेंसियां मैसेज की जांच में जुटी, सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर के युवाओं को भड़काने की आशंका जताई। फुटबॉलर से आतंकी बने माजिद खान के सरेंडर पर लश्कर ए तैयबा का दावा, कहा मां की अपील पर घर जाने की मंजूरी दी। माजिद को लेकर लश्कर की सुरक्षा बलों को गिदड़ भभकी, कहा नुकसान पहुंचा तो लेंगे बदला। माजिद खान के वापस लौटने को सेना ने बहादुरी वाला कदम बताया, कहा हम भरोसा दिलाते हैं वो जल्द नॉर्मल जिंदगी में लौट आए। माजिद के पिता इरशाद अहमद ने कहा मैं खुश हूं, शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मदद की। अमेरिका के प्यू रिसर्च के सर्वे में दावा, 63% लोग जम्मू कश्मीर में सेना का इस्तेमाल बढ़ाना चाहते हैं। सर्वे में शामिल 76% लोगों ने आतंकवाद को बहुत बड़ी समस्या बताया। 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच सर्वे किया गया। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी की हार्दिक पटेल ग्रुप से बातचीत टूटने के कगार पर। हार्दिक के करीबी मनोज बनारा का अल्टीमेटम, कहा कांग्रेस को वोट चाहिए तो आरक्षण पर तुरंत स्टैंड साफ करें। मनोज बनारा कांग्रेस नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, मिलने का वक्त नहीं देने पर नाराजगी जताई। मनोज बनारा की कांग्रेस को चेतावनी, आरक्षण पर जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस का जबरदस्त विरोध किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी फिल्म पद्मावती का विरोध किया, पद्मावती को फिल्म में गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने गिरिराज सिंह के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया, रिलीज से पहले बयानबाजी को गलत बताया। यूपी के एटा में भी फिल्म पद्मावती का विरोध तेज, दीपिका के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। यूपी के सीतापुर में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वीडियो में लोग नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार हाजी सिराज के लिए प्रचार कर रहे हैं, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर पर हमला, अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता को नौटंकी करार दिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का दावा, राम मंदिर पर सहमति सिर्फ साधु संत और बीएचपी बना सकती है। राम मंदिर पर सहमति के लिए श्री श्री रविशंकर लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले, मुलाकातों का दौर फिलहाल बेनतीजा साबित। चेन्नई में ओएस गार्डन पर आईटी की छापेमारी, तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शशिकला नटराजन गुट ने छापों को राजनीतिक साजिश बताया, पूर्व सीएम जयललिता ओएस गार्डन में रहती थी। छापेमारी को लेकर एआईएडीएमके नेताओं की पुलिस से झड़प, जया टीवी के सीईओ विवेक जयराम भी ओएस गार्डन पहुंचे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है, भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए। आतंकियों ने जंगलों में बनी गुफा में हथियार छिपाए थे, 2 चाइनीज पिस्टल, 1 राइफल और ग्रेनेड भी शामिल। मुंबई में लव जिहाद का मामला सामने आया, बांद्रा में पूर्व मॉडल ने पति पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश का आरोप लगाया। महिला का इस्लाम कबूल करने पर मारपीट का आरोप, बांद्रा पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया। दिल्ली में देर रात हुई बारिश ने ठंड बढ़ाई, हवा में प्रदूषण का स्तर घट गया है। हिमाचल प्रदेश में हल्की बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। हिमाचल के रोहतांग में करीब 1 फीट बर्फ गिरी, लाहौर स्पीति का कुल्लू से संपर्क टूट गया है। आगरा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता ने एक दूसरे के दफ्तर में तोड़फोड़ की, पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे का काफिला रोका गया, पुलिस ने गाड़ी पर लगे बीएसपी के झंडे उतरवाए। यूपी के मैनपुरी में गैस भरते वक्त कार में आग लग गई, आग की लपटों ने पास मौजूद गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई, बड़ी मशक्कत के बाद गोदाम में लगी आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के एटा में शराब के नशे में धुत 2 सिपाहियों पर हंगामा करने का आरोप, रोडवेज बस ड्राइवर को पीटा। मौके पर मौजूद लोगों के विरोध के बाद दोनों सिपाही हाईवे पर कार छोड़कर फरार हो गए, जीटी रोड पर लंबा जाम लगा। ऑड इवन को लेकर ईपीसीए ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, कहा अथॉरिटी ने योजना लागू करने के लिए कभी कहा ही नहीं। दिल्ली में आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर महिला पत्रकार से छेड़छाड़ का मामला, दिल्ली महिला आयोग ने डीएमआरसी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। डीसीडब्ल्यू ने मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा पर सवाल उठाए, पीड़ित पत्रकार ने बयान दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चांदनी चौक इलाके में हॉकर्स को हटने का आदेश दिया। 17 जनवरी तक दिल्ली पुलिस और एमसीडी से रिपोर्ट मांगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 27,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी, सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जानकारी। कोलकाता में एक्टर शाहरुख खान ने सीएम ममता बनर्जी के पैर छुए, कोलकाता एयरपोर्ट पर 13 नवंबर का वीडियो। कोलकाता में ममता बनर्जी अपनी सेंट्रो कार से शाहरुख खान को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए पहुंची हुई थी। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे शाहरुख। बिल गेट्स ने विशाखापट्टनम में आयोजित आंध्र एग्रीटेक समिट में हिस्सा लिया, सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रिटायर हो चुके कर्मचारी ने नक्सलियों से मदद मांगी, प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने कैशलेस चालान के लिए नई मुहिम शुरू की, पेटीएम के जरिए भुगतान की सुविधा। केरल में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एक महीने के मासूम की जान बचाई, में 7 घंटे में 516 किलोमीटर का सफर तय कर बच्चे को कन्नूर से तिरुवनंतपुरम पहुंचाया। कानपुर में चिंदारी रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। जम्मू कश्मीर में राजौरी के स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लगाई जा रही है, पाक फायरिंग की वजह से स्कूल में सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। मोहाली के जीरकपुर में मॉल के अंदर मारपीट, झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हैंकॉक ओवर ब्रिज के निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई, बीएमसी और रेलवे कर्मचारियों का वेतन रोकने की चेतावनी दी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक्साइज कमिश्नर संगीता दरेकर को जान से मारने की धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बस यूनियन ने हड़ताल की धमकी दी, 22 दिसंबर तक मांग पूरी करने का अल्टीमेटम। उत्तराखंड में काशीपुर आईआईएम के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, सुसाइड नोट में एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए। दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में लड़की की गला काटकर हत्या, प्रेमी पर हत्या का आरोप। सहारनपुर में सीनियर की पत्नी से छेड़छाड़ के आरोप में 2 पुलिस वाले गिरफ्तार, तीसरा फरार हुआ, एसएसपी ने तीनों को सस्पेंड किया। यूपी के मुरादाबाद में 6 साल की बच्ची से रेप, 60 साल का आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार। कोयम्बटूर में 85 साल की बुजुर्ग महिला से रेप के मामले में फैसला, दोषी मोहम्मद समीर खान को 30 साल की सजा। यूपी के हापुड़ में चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाश बैरियर तोड़कर भागे, पीछा करने पर पुलिस पर फायरिंग। फायरिंग में 1 पुलिसकर्मी घायल, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, 2 फरार। दिल्ली पुलिस ने 6,60,000 के नकली नोट के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, सभी नोट 2,000 के। भोपाल में एक लेडी कांस्टेबल ने एसपी पर यौन शोषण का आरोप लगाया, ऑडियो वीडियो सबूत भी पुलिस को सौंपे। उत्तराखंड के काशीपुर में शराब पीकर हंगामा करने वाले सैनिक को भी जेल भेज दिया गया है, रिक्शे वाले से झगड़े के वीडियो को भी वायरल कर दिया गया। राजस्थान के चुरू में सेना का जवान नवजात बेटी की हत्या करके फरार हुआ, पत्नी ने रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस ने जमीन से शव निकाला। मथुरा में कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे की शादी में रुपए और ज्वेलरी से भरा बैग चोरी, सीसीटीवी में बैग चुराते दिख रहा है आरोपी। बेगूसराय में मालगाड़ी पर चढ़ा एक लड़का हाईटेंशन तार के करंट से झुलस गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत गंभीर है। यूपी के बांदा में जंगल में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके कई देसी तमंचे बरामद किए। यूपी के फतेहपुर में 4 बच्चियों को खेत से अगवा करके रेप की कोशिश, 2 बच्चियों ने भागकर गांव वालों को खबर की, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के शहडोल में गाड़ी चोर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस ने बाइक के पार्ट्स निकालकर बेचने वाले को भी पकड़ा, तीनों के जेल भेजने की खबर। यूपी के संत कबीर नगर में नौकरी और इनाम का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाले 3 ठग गिरफ्तार, खुद को बैंक मैनेजर बताते लोगों से धोखाधड़ी करते थे। ईपीएफ खाता धारकों के लिए बैड न्यूज, नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ के ब्याज पर टैक्स लगेगा। जल्दी बेकार हो सकती है आपकी चेकबुक, चेक से लेन देन बंद कर सकती है सरकार, डिजिटल ट्रांजेक्शन को दिया जाएगा बढ़ावा, सूत्रों के हवाले से खबर। कोलकाता टेस्ट के 3रे दिन भी बारिश का साया, 2रे दिन सिर्फ 21 ओवर फेंके गए, बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया। कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाई, टीम इंडिया ने पहली पारी में 5 विकेट गंवाकर सिर्फ 74 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए, पुजारा और रिद्धिमान साहा क्रीज पर बने हुए हैं। कोलकाता टेस्ट पर सौरव गांगुली की भविष्यवाणी, कहा खराब शुरुआत के बावजूद जीतेगी टीम इंडिया। मुंबई के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का रणजी मैच में एक और शतक, अब तक खेले 7 मैचों में 5 शतक लगा।
एशेज से पहले दो टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, मैक्सवेल टीम से बाहर। टिम पेन की 7 साल बाद टीम में वापसी हुई है। वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सरदार सिंह को टीम में नहीं मिली जगह, रुपिंदर और लकड़ा की टीम में वापसी हुई। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने बॉयफ्रेंड एलेक्सिस से शादी की, किम कर्दशानी समेत कई स्टार्स पहुंचे, सेरेना के 2 महीने की बेटी भी है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक इमारत में भीषण आग लग गई, 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।